नाउ पेज नंबर 64, सेंस ऑर्गन। द ऑर्गन दैट कनेक्ट अस टू द आउटसाइड वर्ल्ड आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। जो ऑर्गन हमें बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? आईज, नोज, एयर, टंग एंड स्किन आर फाइव सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, पांच हमारे क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे। ठीक है, दे हेल्प अस टू सी, स्मेल, हेयर, टेस्ट, टच, है ना, रिस्पेक्टिवली। ये हमें क्या करते हैं? ये हमें देखने, सूंघने, ठीक है, और गंध के लिए, है ना, स्मेल करने के लिए, सुनने के लिए, स्वाद के लिए और किसी चीज को स्पर्श करने में हमारी मदद करते हैं। आईज, आईज आर द सेंस ऑर्गन ऑफ साइट। आईज क्या है हमारे? देखने का एक अंग है। वी सी वेरियस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आईज। हम क्या करते हैं? हम आंखों की सहायता से बहुत सारी चीजों को हम देख सकते हैं। सी आर लाइक राउंड बॉल एंड आर फिटेड इन टू द सॉकेट्स ऑफ द स्कल। ये क्या करता है? ये क्या करता है? आंख क्या है? आंखें जो है गोल गेंद की तरह होती हैं, है ना। ये देखिए पिक्चर, गोल राउंड जैसी है ना, राउंड सर्कल, है ना, राउंड बॉल जैसी लग रही है। ठीक है, ये किससे फिक्स्ड होती है? ये जो हमारे जो स्कल होते हैं ना उसके सॉकेट में लगी होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आईब्रो एंड आई लैशेस प्रोटेक्ट अवर आईज फ्रॉम स्वेट एंड डर्ट। ये क्या होती है कि जो हमारी आई लैशेस और आई ब्रो जो है वो पसीने और गंदगी से हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। थर्ड, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज प्रोटेक्टेड बाय द ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया। जो हमारे जो है आंखों के जो जो ये भाग है हमारा, देखो कॉर्निया कहाँ पे है? ये रहा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये कॉर्निया नामक एक पारदर्शी कवर होता है। ठीक है, कवर द्वारा सुरक्षित होता है हमारी आंख, इससे क्या होती है? सुरक्षित होती है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है, इसको कवर करता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, कॉर्निया जिसे बोला जाता है। नाउ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज द इरिस। तो कलर पार्ट होता है यहाँ पे हमारा, एक कलर पार्ट होता है वो क्या बोलते हैं उसको? इरिस बोला जाता है। नेक्स्ट, द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द इरिस इज द प्यूपल। जो ब्लैक स्पॉट होता है इरिस, देखिए, ठीक है, सेंटर ऑफ द इरिस की जो सेंटर में जो होता है वो प्यूपल होता है। ठीक है, ये वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है आपको। ठीक है, लाइट एंटर द आई थ्रू द प्यूपल। लाइट कैसे क्या एंटर करती है? क्योंकि प्यूपल के द्वारा ही ये जो इसे बोलते हैं पुतली बोला जाता है, पुतली के माध्यम से ही आंखों में प्रवेश करती है जो लाइट हमें, ठीक है, दिखाई देती है या एंटर करती है। द इरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपल। बिहाइंड द प्यूपल इज द लेंस दैट फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट यू सी ऑन ए स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। यहाँ पे बताया गया है जो इरिस जो होता है वो पुतली के आकार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और जो उसके जो पीछे जो लेंस होता है, जो है ना, जो प्यूपिल के जो पुतली के पीछे जो लेंस होता है, ठीक है, जो रेटिना नामक क्या होता है, स्क्रीन पे जो दिखाई देता है हमें, ठीक है, दिखाई देने दिखाई जो हमारी इमेज हमें जो इमेज जो दिखाई देती है पीछे से, वो ये बनाता है। ठीक है, ये लेंस बनाता है। ठीक है, जो हम देख पाते हैं। ठीक है, रेटिना तंत्र के, है ना, कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, द नर्व सेल इन द रेटिना सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। द ब्रेन रीड्स अ मैसेज एंड अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। और ये क्या करता है? जो नर्व सेल होती हैं रेटिना के द्वारा क्या किया जाता है? ठीक है, ये मैसेज लेके आती हैं और क्या करता है? ब्रेन तक पहुंचाती हैं थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स। जो हमारी जो ऑप्टिक जो नर्व होती है, ये भी दिखाई दे रही है, देखिए, ठीक है, ये लेके आता है मैसेज और ये ऑप्टिक नर्व के द्वारा आती है। द ब्रेन रीड दिस रीड द मैसेज, है ना, और जो ब्रेन जो होता है हमारा ये मैसेज को पढ़ता है और हमें इसको देखने योग्य, ठीक है, जो भी चीज होती है उसे पढ़ने योग्य और देखने में हमें सक्षम बनाता है। ठीक है, इसके द्वारा। ओके, अब हम पढ़ेंगे केयर ऑफ आईज, माने आंखों की कैसे देखभाल की जाती है। वॉश योर आईज डेली विथ क्लीन वाटर। हमें आंखों को रोज साफ और अच्छे में साफ पानी से धोना चाहिए। डू नॉट रीड इन वेरी डिम लाइट एंड इन मूविंग व्हीकल, इट स्टेन योर आईज। हमें क्या नहीं करना चाहिए?
हमें कम लाइट में और चलते वाहन में नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमारी आंखों को तनाव पैदा कर सकता है। डू नॉट वॉच टीवी और प्ले कंप्यूटर्स गेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमें टीवी और कंप्यूटर लंबे समय तक नहीं देखना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। टीवी नहीं देखना चाहिए और लंबे समय तक गेम नहीं खेलना चाहिए कंप्यूटर पर। नेवर रब योर आईज विथ डर्टी हैंड्स और हैंडकरचिप्स, इट मे कॉज इन्फेक्शन, हमें आंखों को गंदे हाथों और रुमाल से नहीं रगड़ना चाहिए, इसका कारण क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।